नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुमानित बजट के लिए मेयर शिवराज पासवान की अध्यक्षता में विशेष बैठक की गई। बैठक में उप मेयर सूरज प्रकाश राय, नगर आयुक्त सहित अन्य निगम पार्षद शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि 2021-22 के अनुमानित बजट में 365 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें 22 करोड़ रुपए शहरी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं पर खर्च किए जाएंगे। 2021-22 का वित्तीय वर्ष बजट का सत्र था, जिसमें ध्वनिमत से जो बजट पास किया गया सभी के सर्वसम्मति से। किस तरह की कितना का बजट है और किस तरह की योजना आई है इसका? पूरा बजट जो है 365 करोड़ का बजट है, जिसमें आपका जो ड्रेनेज है, सीवरेज है, रोड नाला है, लाइट है और जो भी मूलभूत चीज है नगर निगम से जुड़ा हुआ। लातेहार सदर प्रखंड के उदयपुरा जंगल में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीओ, डीएसपी, सीईओ, बीडीओ सहित वन विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तपा पहाड़ी कोमो से लेकर सिकनी के आगे तक ये पूरा जंगल में आग लगा हुआ है। सारे पदाधिकारी यहाँ पर हैं, हम लोग भी हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं अपने साथ में। SDO भी हैं, DSP साहब हैं, BDO, CO, फॉरेस्ट के कुछ पदाधिकारी हैं और ये बहुत भयंकर आग लगी हुई है जंगल पहाड़ पर। हम लोग भी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग लगे हुए इसमें, देखें कितनी जल्दी में आएगा। एक टैंकर का पानी ख़त्म हो गया और दूसरा टैंकर के लिए हम लोग बोले। लातेहार का ये पूरा मामला है जहां पर आग लगने से इतनी बड़ी तबाही हुई है। वन विभाग की टीम और सहित SDO, CEO तमाम लोगों ने पहुंचकर वहां पर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो उदयपुरा जंगल का ये पूरा मामला, लातेहार प्रखंड में उदयपुरा जंगल है जहां पर ये भीषण आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आग के लपटे इतनी तेज थी, इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते कई इलाकों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। तो ये उदयपुरा जंगल की पूरी घटना है जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बेगूसराय जिले से, जहां पर जहरीली शराब पीने से दो व्यक्तियों की मौत हो गई है। वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद गांव में दहशत फैल गया है। घटना बखरी थाना क्षेत्र के गुरियारी गांव की है। मृतकों की पहचान गुरियारी निवासी राजकुमार सहनी और सकल देव चौधरी के रूप में की गई। वहीं गंभीर व्यक्ति का नाम बिरजू सहनी है। घटना के संबंध बताया जा रहा है कि तीनों ने मंगलवार रात एक साथ शराब पी, जिसके बाद तीनों की हालत खराब होने लगी। देखते ही देखते राजकुमार सहनी और सकलदेव चौधरी की मौत हो गई। वहीं बिरजू सहनी की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। और रोहतास में भी शहर ने एक बार फिर कहर बरपाया है। इस बार होली के मौके पर जहरीली शराब पीकर पांच अन्य लोगों की मौत की खबर सामने आई है। परिजन भी खुलकर कह रहे हैं कि उनके लोग शराब पीकर मरे हैं। वहीं दूसरी ओर शराब का मामला होने के कारण प्रशासन पूरे मामले से पल्ला झाड़ती दिख रही है। जहरीली शराब पीने से मौत हुई है और प्रशासन कुछ भी कहने से इस पर बचती दिख रही है। होली के मौके पर जहरीली शराब पी गई है और इस दौरान पांच लोगों की मौत की खबर सामने आई है और मृतकों के परिजनों का कहना है कि शराब पीने के बाद ही पांचों की मौत हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रोहतास से जुड़ चुके हैं कुमार बिपिन। बिपिन, जहरीली शराब पीने से ये मौत हुई है, प्रशासन ने भी कुछ कहने से इनकार कर दिया है, क्या कुछ और मामला सामने निकल कर आ रहा है? जी, आपको बताऊं मैं कि जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मौत हुई है। हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है, पांच लोगों की मौत की जानकारी प्राप्त हो रही है। मामला ऐसा है कि होली के दिन ये लोग शराब पी करके
और सो गए थे, जो कुछ व्यक्ति उसमें सोए के सोए रह गए। परिजनों को ऐसा लगा कि पी करके सोए हैं, जगेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कुछ लोग दस्त करते करते हॉस्पिटल ले जाते डेथ कर गए। और प्रशासन इस घटना पर अभी तक चुप्पी साधी हुई है, अभी कुछ भी बताने से प्रशासन परहेज कर रही है जी। लेकिन यहाँ पर मृतकों के जो परिजन हैं उनका साफ कहना है कि शराब पीने के बाद ही उनकी मौत हुई है, तो इस पर प्रशासन की सफाई बेहद जरूरी है, तो प्रशासन ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है जी। आपको बताऊं कि अभी प्रशासन इस मामले पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। और अभी कुछ देर पहले मैंने बताया ना कि शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि इसका पुलिस पस्त है और शराब माफिया मस्त है। शराब माफियाओं की जिले में तुती बोल रही है और पुलिस नदमस्तक है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। तो मृतकों के परिजनों का आप क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांग उन्होंने की है इस पूरे मामले में? मृतकों के परिजनों का कहना है कि शराब से ही मौत हुई है, मृतक के परिजन कह रहे हैं। और मृतक के परिजन भी डरे सामने हैं, मृतक के परिजन भी बहुत कुछ कहने से परहेज कर रहे हैं जी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रोहतास में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई है और खबर ऐसी सामने आ रही है कि प्रशासन ने कुछ भी कहने से इस पर पल्ला झाड़ दिया है।